सावरकर जी का ये हिंदुस्तान क्या कहेंगे होश में पीएम कहेंगे होश में हाय हाय कांग्रेस राहुल गांधी हाय 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 स्वतंत्र वीर सावरकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अपने खड़गे के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन किया, क्या मांगे थी? आज तो पहली बार मालूम पड़ा कोई खड़गे करके है, और वो खड़गे को अपनी औकात में रहना चाहिए। वो अपने पिताजी के बलबूते पे कुछ मंत्री बनाए कर्नाटक में, और स्वतंत्र वीर सावरकर कौन है उसका अभ्यास करना चाहिए, उसका इतिहास देखना चाहिए, उसके बाद उसने उसके पे टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और उसके बाद वो टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके फैन हो जाएंगे। क्या मांगे थी आपकी? किन मांगों? हमारी मांगे ऐसी है कि प्रियंका खड़गे जैसे चल के उठ के आते हुए छोटे मोटे ये नेता लोग ने ये स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे बड़े प्रतिमा वाले व्यक्तिमत्व पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आने वाले दिन में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम और रास्ते पे उतरेंगे और खड़गे के घर तक जाएंगे। बार बार कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती है, क्या वजह है, क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है, कांग्रेस का काम ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ अभी ऑप्शन है नहीं, तो कोई ना कोई मुद्दा लेके भड़काऊ भाषण देके लोगों में झगड़ा डालने का काम करते हैं। सावरकर जी पे पहले राहुल मणिशंकर अय्यर ने शुरू किया था, आपको पता है मणिशंकर अय्यर की क्या हालत हुई, राहुल गांधी की क्या हालत हुई, और अब ये खड़गे है आप लोग देख रहे हैं, इनके क्या है, पाप बहुत है, पाप और कर्म भुगतने पड़ते हैं। आज देखिए उन्होंने कर्म भुगता, राजस्थान में उनकी क्या हालत हुई, छत्तीसगढ़ में उनकी क्या हालत हुई, और आने वाले 2024 में मोदी जी उनको कहाँ भेजते हैं वो भी देख लीजिएगा। और मेरा कहना और एक चीज़ है सर, बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है कि यहाँ के उबाटा के नेता उद्धव जी ठाकरे सावरकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस के साथ मांडी से मांडी मिला के अभी भी बैठे हैं ना। जब वो सावरकर जी के बारे में इतना अपशब्द बोलते हैं, इतना विरोध करते हैं, तभी भी वो उनके बाजू में बैठ के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इवन संजय राउत भी पूरा दिन उनके बाजू में बैठ के उनका साथ देते रहता है। तो ये सबसे बड़ी दिल दुखाने वाली बात है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जिन्होंने मणिशंकर अय्यर का पहले विरोध किया था और चप्पल मारा था रास्ते पे, उसी उद्धव ठाकरे जी आज कांग्रेस के नेताओं के साथ में वीर सावरकर जी का अपमान सहन कर रहे हैं।